तो गाइस मैं आ गया हूँ फिर से जो रिमेनिंग पार्ट था उसको लेके। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और गाइस शेयर भी करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हमें क्या करना है, हमने यहाँ तक क्रिएट सक्सेसफुल कैटेगरी तक आ गए थे, अब मुझे क्या करना है। देखो हमें वैलिडेशन एरर चेक करना, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अपडेट वाला वैलिडेशन हमें चेक करना, राइट। तो कैटेगरी अपडेट वैलिडेशन एरर रिडायरेक्ट बैक टू फॉर्म, राइट। यानी कि क्या, यदि ये एरर देता है तो हमारा बैक टू फॉर्म पे आना चाहिए। जाहिर सी बात है, मुझे जब एरर ही बनाना है तो मैं तो एरर भेजूंगा ही। यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा, ये रहा, मैं दूसरी जगह पे चला गया, नहीं सही है। और जो डॉलर कैटेगरी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, हमारा कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा एक। और रिस्पॉन्स डॉट एक्टिंग एज डॉट पुट यहाँ पे होगा, पोस्ट नहीं होगा, पुट मेथड हमें यूज करना है। और यहाँ पे मैं कैटेगरी पास आईडी पास कर देनी है, या फिर आप कैटेगरी भी पास कर सकते हो, कैटेगरी ही पास कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो हमारा सेकेंड सॉरी है, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे डॉट होगा और यहाँ पे स्लैश होगा, ये हमारा लिंक हो गया और यहाँ पे आईडी होगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा और ऐसे करूंगा, ये देखो मैंने आईडी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल जनरेट होगा, ना कि हमारा राउट है कि ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब यहाँ पे मैं करूंगा नेम। अब मैं यहाँ पे देखो नेम मैं इम्प्टी भेजूंगा, मैं आईडी तो रियल भेज रहा हूँ लेकिन नेम मैं इम्प्टी भेज रहा हूँ। जो स्टेटस होगा 302 होगा। और जो ये मैं सारा रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। और डॉलर रिस्पॉन्स एरो असर्ट इनवैलिड इनवैलिड, और इनवैलिड हमारा कौन सा आएगा, नेम आएगा, क्योंकि हमारा नेम इनवैलिड है। देखते हैं, मैं टेस्ट अगेन रन करता हूँ और 5 की जगह 6 होने चाहिए इस बार पास। देखो 6 के 6 पास यहाँ पे आया होगा ना, कैटेगरी अपडेट वैलिडेशन एरर रिडायरेक्ट टू फॉर्म, यानी कि परफेक्ट है, ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मुझे एक टेस्ट और लिखना है इसमें, जो कि होगा डिलीट का। चलो बढ़िया है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कैटेगरी डिलीट सक्सेसफुली, डिलीट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कैटेगरी एक क्रिएट किया, एक्टिंग एज किया, बट यहाँ पे मैं करूंगा डिलीट डिलीट। और यहाँ पे ये डाटा हमें मुझे पास नहीं करना है, बस आईडी पास करनी है, राइट। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स हमारा यही रहेगा, क्योंकि मैं रिडायरेक्ट करता हूँ, बस ये चेंज हो जाएगा, असर्ट रिडायरेक्ट। और फिर ये भी होगा सेशन प्रीवियस यूआरएल, प्रीवियस यूआरएल। अब मुझे क्या चेक करना है, देखो डाटाबेस मिसिंग यूज करना है, तो दिस एरो असर्ट डाटाबेस मिसिंग कैटेगरी, और दूसरा पैरामीटर में पास करूंगा डॉलर कैटेगरी एरो डॉट टू एरे, क्योंकि ये एरे चेक करता है और हमने एक कलेक्शन वहां पे, तो मैं टू एरे कर दूंगा ताकि ये एरे बन जाए। हमारे एक चेक ये हो गया, और एक चेक और कर लेते हैं डिफरेंट स्टाइल में, असर्ट
डाटाबेस काउंट, मैं कॉपी कर लेता हूँ नाम। देखो क्या है ना, यहाँ पे जीरो हो गया। जब हमने एक ही कैटेगरी क्रिएट किया तो जब डिलीट करेंगे तो जीरो ही बचेगा काउंट ना, और यहाँ पे ये भी नहीं मैच करेगा, हमारा एक साथ दो चेक हो गया। चलो मैं करता हूँ PHP आर्टिशन टेस्ट, आई होप परफेक्टली चले। देखो परफेक्ट 7 टेस्ट पास हो गया। तो गाइस ये हमारा कैटेगरी का जो टेस्टिंग है, डी पैनल का कैटेगरी का टेस्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर, और नेक्स्ट वीडियो में हम कैंपेन टेस्टिंग क्रिएट करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट भी करो यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।